नहीं यार, मेरे को तो नहीं मालूम ये किसान विकास पत्र कहाँ बनते हैं, लेकिन मैं ऐसे तीन चार लोगों को जानता हूँ जिनको इन सब के बारे में बहुत आइडिया है। तू कहे तो उनका नाम बता दूँ। हाँ, एक मिया खलीफा, एक रिहाना, एक अमेंडा सन्नी और एक वो कौन है जो बिन स्कूल गए हाउ डेयर यू वाली प्रोफेसर। इनसे बात कर ले, तेरा काम बन जाएगा। इनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। हाँ वाह, एकदम सही। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन कि इंडिया की नहीं है? वैसे भी इंडियन से ज्यादा तो इनको मालूम है कि इंडिया में क्या हो रहा है। अरे और वैसे भी ग्लोबली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब अगर इन लोगों को भारतीय किसानों के बारे में सबसे ज्यादा ना मालूम होता तो कोई पागल ही है जो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता। बाकी वो हाउ डेयर यू वाले से थोड़ा बच के रही हो। हाँ, छोटी सी है लेकिन बड़ा पैकेट है वो। अरे वो क्या करती है ना, वो सारी खबरें ट्विटर पे लीक कर देती है, फिर उसके बाद डिलीट कर देती है। अबे इतना जल्दी तो बुढ़ापे में बूढ़े का पेशाब लीक नहीं होता, जितनी जल्दी उसकी खबरें लीक हो जाती हैं। हाँ हाँ चल ठीक है, ओके। कोरोना का टीका जरूर आ गया है, लेकिन याद रहे टीकाकरण के बाद भी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अरे चड्डा क्या यार, हमेशा ऐसी सीरियस खबरें पढ़ता रहता है। ला अखबार दे, आज पेपर तेरा भाई पड़ेगा। ला ठीक है तो मिश्रा जी, लो आज अखबार, तुम पढ़ लो। कोरोना कोरोना, इतना था तो कोरोना की दवाई खुद बना लेता। हाँ ये बढ़िया खबर लग रही, जरा पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। हाँ हाँ, कोरोना काल के चलते वैलेंटाइन्स वीक में हो रही कॉन्डम्स की कम बिक्री को मद्देनजर रखते हुए आया ड्यूरेक्स के सीईओ राकेश कपूर का बड़ा बयान। ओके, बोले जो कपल हर बार एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर लेकर जाते थे ओयो ड्यूरेक्स, इस बार बना रहे हैं वैलेंटाइन विदाउट हैविंग सेक्स। ये कोई खबर है पढ़ने लायक? हाँ यार चड्डा, कोरोना का असली मतलब तो इन लोगों को अभी पता चल रहा है। सही है सही है। वैसे मिश्रा जी, तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, कहो तो सुनाओ क्या। हाँ हाँ जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। दिन में 30 संदेश आते हैं, हमें बड़ा तड़पाते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारे बाप को थोड़े खाते हैं। दिन में 30 संदेश आते हैं, हमें बड़ा तड़पाते हैं। ऐसे लोग भैंस का चारा खाते हैं फिर 30 किलो गोबर करके जाते हैं। एकदम सही बात बोले तुम रघु मियां। नाइस नाइस। घर आए हुए लगभग पूरा 1 साल हो गया मामा, नहीं मतलब टाइम कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। क्यों अंकल? वो ही तो यार आंसू, अब इस लॉकडाउन में गर्मियां सर्दियां और मुठियां कब आई कब गई मालूम ही नहीं चला। मुठियां नहीं होता मिश्रा जी, मिठाइयां होता है। और बाकी आंसू, इस साल तो कोई मिठाई नहीं आई हमारे घर में। अबे साले, मिठाई खाई जाती है और मिठाई मारी जाती है। क्या मारी जाती है? अरे पापा, वो मुल्तानी मिट्टी होती है ना जो चेहरे पे लगाई जाती है ग्लो लाने के लिए, तो उसी का एक मेल वर्जन भी होता है जिसको मुठानी मिट्टी बोलते हैं, तो उसको लगाने से भी चेहरे पे ग्लो ही आता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं भी, मैंने तो कभी नहीं सुना आज तक इस मिट्टी के बारे में, और ना ही कभी किसी को मुठानी मिट्टी का फेशियल कराते हुए देखा। अरे कोई बात नहीं, अभी गूगल पे डाल के देख ले 18+ फेशियल कंपाइलेशन वीडियोस। अरे आप सब अपने शब्दों का शटर बंद नहीं होता क्या यार? पापा फोन देना जरा अपना, एक मिनट रुक, मैं जरा एक बार ये सर्च कर लूँ जो मिश्रा जी बोले। मिश्रा जी एक बार जरा दोबारा बताना तो क्या बोले तुम। हाँ हाँ, 18+ फेसियल कंपाइलेशन वीडियोस। अरे अरे एक सेकंड जीजा जी, आपको जरा नीचे कोई आवाज दे रहा है, जरा देख के आना तो कौन आवाज दे रहा है। नहीं तो मेरे को तो कोई आवाज नहीं आ रही यार। जीजा जी आपको शायद कम सुनाई देने लगा है, बेचारा दिन देख चिल्ला तो रहा है, जल्दी जाओ। अरे नहीं यार, जल्दी जाओ। आ रही आ रही है। हाँ पापा आ रही आ रही है, आ रहा है, एक मिनट। अरे नहीं यार। हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अच्छा अच्छा जाता हूँ जाता हूँ। 18+ फेसियल याद से देख लियो। हाँ मिश्रा जी, ये तुम्हारी उंगली में क्या लग रहा है? कहाँ? जरा एक सेकंड इधर दिखाओ। हाँ हाँ, जितना समझा तुझे भरोसे वाला, उससे कहीं ज्यादा निकला तू वाला। हद करते हो यार अंकल। सॉरी सॉरी, प्यार मोहब्बत का सीजन है, करना है तो प्यार की बातें करो, कहाँ फेशियल पेट के पड़े हो। आंसू तू जब स्कूल में रहा होगा तो तेरी भी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो पक्का रही होगी, तो तू भी एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना के जाता था 20-25 सेकंड के ट्रिप के लिए, जैसे आज के बच्चे आते हैं कि नहीं। अंकल देखो, मेरे को स्कूल पास किए हुए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे में और आज के स्कूल के बच्चों में बहुत अंतर है। मतलब वो कैसे? हम जब स्कूल में थे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले जब भी क्लास खाली होती थी तो अपनी टेबल बदला करते थे किसी अच्छी टेबल के साथ, क्योंकि हम जब लिखते थे तो हमको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हमारी टेबल बहुत हिलती थी। और ये मैं बाबी की बात बता रहा हूँ। पर आज के स्कूल के बच्चों का तो सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। मतलब आप क्लास में बाद में घुसो, उससे पहले आपको क्लास के हर एक कोने पे एक जोड़ा ऐसा जरूर दिखेगा जिनके अपने अलग ही बायोलॉजिकल बॉन्ड शेयर हो रहेंगे। और ब्रेक टाइम पे तो इतना पीक पे होता है कि प्रिंसिपल भी अपने केबिन से देखता होगा कैमरे से, तो सोचता होगा क्लासरूम है या मुन्नी का कोट। ओहो मतलब आज प्रिंसिपल बनने में इतना स्कोप है, फिर तो मैं भी प्रिंसिपल ही बन जाता हूँ, पूरे दिन केबिन से बैठा बैठा कैमरा स्विच करता रहूंगा, सीन सी सीन्स होंगे। बाकी ये 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों की बात देख लो, कॉलेज के 3rd 4th ईयर के लॉन्डो के साथ घूमने में पता नहीं क्या शान समझते हैं।
मेरा नुन्नू नहीं खड़ा होता, लेकिन मैं फोर्थ ईयर वाले के साथ घूमता हूँ, उसका तो होता है, मेरा भी होगा। सर इनको नहीं मालूम होता कि फोर्थ ईयर वाला लौंडा अपने सिगरेट के पैसे भी इनसे निकलवा रहा होता है। भांजे जिंदगी का अपना अलग सिस्टम होता है, यहाँ छोटी उम्र के दोस्त बनाने से कोई जवान नहीं हो जाता और बड़ी उम्र के दोस्त बनाने से कोई समझदार नहीं बन जाता। हम जब पांचवी छठी में थे तो सारे दोस्त मिलकर साथ में पिक्चर लड़ाते थे। हाँ यार रघुमिया, आजकल के बच्चे आगे तो बहुत बढ़ गए हैं, हम साला आज भी पांच बारी में हॉटस्पॉट का पासवर्ड सही तरीके से नहीं डाल पाते। छठी बार सामने से बंदा खुद बोलता है कि ला फोन दे मैं डाल के देता हूँ, और ये आजकल के बच्चे पहली बार में जी स्पॉट घूम देते हैं। क्या यार आंसू, नीचे तो कोई भी नहीं था यार। अच्छा कोई नहीं पापा, वो हम ही को बहम हुआ होगा फिर। बाकी मिश्रा जी ये जी स्पॉट क्या होता है? ये ना फेशियल क्रीम का गोडाउन है, यहाँ सारी फेशियल क्रीम बनती है फिर आगे जाके सप्लाई होती है। मतलब अरे गूगल पे डाल के देख व्हाट इज जी स्पॉट। अरे 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 एक सेकंड जी जी आपको कोई आवाज दे रहा है जल्दी जाओ। अरे मेरे को तो कोई आवाज नहीं आ रही यार। हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही यार, जाओ 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 बुला रहे बुला रहे जाओ जाओ जाओ। अरे पागल हो गए क्या? जाता हूँ। अरे माफ करना जरा ठरक में इधर उधर निकल जाता हूँ। बाकी आंसू कहाँ थे हम लोग? जी स्पॉट पे। मतलब आज के बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं। हाँ लेकिन एक चीज तो है जिसमें आज के बच्चे बहुत पीछे हैं। वो किसमें? 10 सेकंड के सुख के लिए 100 वीडियो छान देंगे लेकिन एक ढंग की वीडियो नहीं मिलती इनको। इनको मालूम है इनकी इनिंग्स 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकनी, लेकिन पिच का मुआयना तो ऐसे करते जैसे शाम तक खेलेंगे। साला पॉन अप का मालिक भी बोलता होगा बॉयज प्लेड वेल। 10 सेकंड की पारी निपटने के बाद फिर आते हैं इनके डीप थॉट्स, ये क्या कर दिया ये बहुत गलत चीज है। साला फिर 1 घंटे बाद फिर इनके बैट्समैन तैयार हो रहे होते हैं। मामा बाकी आप लोगों के टाइम भी मनाया जाता था वैलेंटाइंस डे? हाँ जी अगर देखा जाए तो उसकी वैलेंटाइन ही हम लोगों के टाइम मनाया जाता था, वरना आज के टाइम तो प्यार का इजहार कम और सौदा ज्यादा होता है। वो कैसे? एक तो ये आजकल के चपरी निब्बा, एक तो इनका साला स्टाइल ऐसा चमन वाला, ऊपर से सोचेंगे किसी लड़की पे 5 दिन पैसे खर्च करो तो 6ठे दिन सामने से इनको खुद झुक के बोलेगी कि झापना, तोहफा कबूल नहीं करेंगे झापना। अबे सारा वैलेंटाइन मना रहा है, कसीनो में जाके अपना लग आजमा रहा है कि जितने ज्यादा पैसे डालोगे उतने ज्यादा जीतने के चांसेस होंगे। निब्बा निब्बी पे खर्च किया हुआ पैसा और म्यूचुअल फंड्स में दिया हुआ पैसा दोनों एक समान होते हैं। वो क्यों? अरे क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बाकी अंकल आपकी नहीं बनी कोई स्कूल में कभी गर्लफ्रेंड? यार आंसू एक बार आया तो था यार अपनी क्लास की एक लड़की पे दिल, फिर एक बार पता नहीं कुछ ऐसी बात होगी उसके बाद से मुझसे किसी लड़की ने बात ही नहीं की। क्यों ऐसा क्या कर दिया था? पता नहीं यार आंसू, वो एक दिन हम लोगों की असेंबली चल रही थी तो हमारी क्लास को गाना गाना था तो मैं अपनी म्यूजिक की बुक लाना भूल गया था, तो वो लड़की मेरे को बोलती तुम परेशान मत हो तुम मेरी ले लो। फिर अब मेरे को मालूम नहीं था कि माई कौन है, मैंने भी उसको बोल दिया कि अभी तो क्या लूँ मैं तेरी, पर शाम को तेरी लेने जरूर आऊँगा मैं। उसने जो पूरे स्कूल के सामने मेरे कनपट्टे के नीचे 4 मारे, कसम से बोल रहा हूँ 4 दिन तक तो आंसू मेरे को होश ही नहीं आया। बड़ी जोर की लगा होगा नहीं? बाकी मेरा तो ये मतलब था यार कि अभी तू ही पढ़ ले मैं शाम को तेरी बुक लेने आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी बुक खो गई थी तो मैंने सोचा फोटोकॉपी करा लूंगा। तो फिर उस शाम दी थी क्या उसने आपको अपनी बुक? अब लोगों की सोच गंदी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। इस साल लाखों स्कूल में जाकर वैलेंटाइन बनाने का सुनहरा मौका, अभी भरे ये फॉर्म और अपनी सीट पक्की करें। मामा अंकल भर दूं क्या फॉर्म? चल भर दे भांजे, देख के आते हैं आजकल स्कूल में कैसे बनाया जाता है वैलेंटाइन। चल अच्छा ठीक है सेक्स में क्या डालूं, मेल या फीमेल? अरे कुछ भी डाल दे यार। क्या यार आंसू कोई भी तो नहीं है यार नीचे? हाँ वो तो हमको भी मालूम है। अच्छा पापा ये बताओ मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ तो आपको फॉर्म भरना है क्या? हाँ भर दे। हाँ ठीक है। हाँ आप बताओ आपके सेक्स में क्या डालूं? इस उम्र में सेक्स? चलो कर लेंगे। अरे मौज कर दे वाह बेटे वाह। वो ना शायद मेरे को नीचे कोई आवाज दे रहे, तो मैं जरा देख के आता हूँ। अरे तुम तो बड़े यार ड्राइवर भाई।